महाअष्टमी पर उज्जैन में आज नगर पूजन किया गया। परंपरा अनुसार माता मंदिर में की गई महाआरती में कलेक्टर नीरज कुमार सिंह शामिल हुए। दरअसल यहां 24 खंभा माता मंदिर में आज सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ था। यहां माता की पूजा राजा विक्रमादित्य किया करते थे, इसी परंपरा का निर्वहन जिलाधीश द्वारा किया जा रहा है। यहाँ कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने माता को मदिरा का भोग लगाया तथा महाआरती की। नगर पूजा का प्रमुख कारण शहर में किसी भी प्रकार की कोई प्राकृतिक आपदा न हो, साथ ही सुख समृद्धि व खुशहाली बनी रहे। उज्जैन में राजा विक्रमादित्य के समय से नगर पूजा की परंपरा चली आ रही है। आज इस परंपरा का निर्वाह उज्जैन के राजा अर्थात जिला कलेक्टर द्वारा किया जाता है। यहाँ नवरात्रि पर महाअष्टमी के दिन वर्ष में एक बार जिला प्रशासन द्वारा नगर पूजा की जाती है। इस पूजा में लगभग 27 किलोमीटर तक मदिरा की धार लगाई जाती है, जो कि शहर के कई देवी मंदिरों से होकर गुजरती है। इस महापूजा में जिला प्रशासन के साथ साथ कई श्रद्धालु पैदल भी चलते हैं और सुबह प्रारंभ होकर ये यात्रा शाम तक समाप्त होती है। ये यात्रा उज्जैन के प्रसिद्ध 24 खंभा माता मंदिर से प्रारंभ होकर नगर भ्रमण के बाद ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर पर शिखर ध्वज चढ़ाकर समाप्त होती है। इस यात्रा की खास बात यह है कि एक घड़े में मदिरा भरी जाती है, जिसमें नीचे छेद होता है, जिससे पूरी यात्रा के दौरान सड़क मार्ग व देवी मंदिरों में मदिरा की धार बहाई जाती है। हर बार महापूजा में जिला कलेक्टर के साथ प्रशासनिक अधिकारी, कर्मचारी व बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी उपस्थित होते हैं। इसी परंपरा को निभाने के लिए महाअष्टमी के दिन आज सुबह जिला प्रशासन के अधिकारी और कर्मचारी 24 खंभा माता मंदिर पर पहुंचे और देवी महालाया और महामाया की पूजा कर देवी को मदिरा चढ़ाई गई। ये महाअष्टमी की महापूजा सुबह 7 बजे से ढोल नगाड़ों के साथ शुरू हुई। बाद में प्रशासनिक अमला तहसीलदार के नेतृत्व में नगर पूजन पर निकल पड़ा। महापूजा की इस यात्रा में कोटवार के हाथ में एक कलश रहता है, जिसके पैंदे में छेद होता है, ताकि मदिरा की धार लगातार बहती रहे। देवी शक्तियों को चढ़ाई जाने वाली इस मदिरा को प्रसाद के रूप में बड़ी संख्या में श्रद्धालु ग्रहण भी करते हैं। पीछा था राजा विक्रमादित्य के समय से चली आ रही परंपरा, जिसमें महाकाल वन के प्रवेश द्वार पर 24 खंभा माता मंदिर पर प्रतिवर्ष आज अष्टमी नवमी के दिन ये अनुष्ठान होता है, आज उसका निर्वहन किया गया है और आज पूरे नगर में ये पूरा यात्रा जाएगी और सभी के लिए अष्टमी पर मंगल कामनाएं और शुभकामनाएं दी जाएंगी। जय माता दी। ये कहावत है जो राजा विक्रमादित्य से, मतलब राजा द्वारा यहाँ पूजा की जाती थी, किसी ना कोई से पूजा की जाती थी पहले। कभी किसी जमाने में वहाँ भैंसे की बलि दी जाती थी, फिर ये खत्म हुई और सरकार जब से उत्पन्न सरकार बनी जब से, तो मैया रानी को कुछ ना कुछ तो पूजा चाहिए। तो जब सरकार बनी तो ये सरकार, मतलब वो पूजा बंद हुई, जब से फिर ये सरकारी पूजा स्टार्ट हुई है। आज के दिन ये पूरी भजिए वगैरह, ये दाल वगैरह, भजिए वगैरह सभी, इसका गुलगुले वगैरह जो भी सब, मदिरा वगैरह का भी 27 किलोमीटर तक यहाँ से स्टार्ट होती है और सारे देवी देवताओं मंदिर और जो हांडी फोड़ भैरव है वहाँ पे हांडी फोड़ के पूजा समाप्त की जाती है। कांग्रेस के पूर्व पार्षद हाजी कलीम खान उर्फ गुड्डू, उम्र लगभग 60 वर्ष, पिता वजीर खान की शुक्रवार सुबह 5 बजे गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्यारों ने नीलगंगा थाना क्षेत्र के वजीर पार्क कॉलोनी में स्थित घर में घुसकर गुड्डू कलीम को 4 से ज्यादा गोली मारी है। इधर परिवार के लोगों ने गुड्डू कलीम की हत्या के लिए उनकी पत्नी और 2 बेटों को ही जिम्मेदार ठहराया है। हत्याकांड को अंजाम देने के पीछे प्रॉपर्टी विवाद सामने आया है। गुड्डू पर बीती 4 अक्टूबर को भी मॉर्निंग वॉक के दौरान हमलावरों ने 3 फायर किए थे। मृतक ने 7 अक्टूबर को थाने पर आवेदन दिया था, जिसमें अपनी हत्या की आशंका भी जताई थी। नीलगंगा पुलिस के अनुसार मृतक के मामा नसरुद्दीन ने गुड्डू कलीम को गोली मारने की सूचना दी थी। पुलिस टीम जब मौके पर पहुंची तो परिवार के लोगों ने गुड्डू की पत्नी नीलोफर उर्फ भूरी, बड़े बेटे दानिश और छोटे बेटे आसिफ उर्फ मिंटू को पुलिस को सौंपा। परिवार ने तीनों पर गुड्डू की गोली मारकर हत्या करने के आरोप लगाए। बताया जा रहा है कि गुड्डू ने पिछले 12 साल से तीनों को प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया था। नीलगंगा थाना क्षेत्र स्थित इंदौर रोड पर 4 अक्टूबर की सुबह मॉर्निंग वॉक के समय पूर्व पार्षद कलीम खान उर्फ गुड्डू कलीम पर जानलेवा हमला भी हुआ था। कार से आए बदमाशों ने उन पर पिस्टल से 3 फायर किए थे।
जान बचाने के लिए वे समीप के नाले में कूद गए, जिससे उनके हाथ में फ्रैक्चर भी हुआ था और गोली छू कर निकल गई थी। घटना के बाद वे इतने सहम गए थे कि दोबारा हमला न हो जाए, इस डर से वे घर से बाहर भी नहीं निकले। हालात सामान्य होने पर बुधवार शाम गुड्डू ने नीलगंगा थाने पर पहुंचकर घटना की जानकारी पुलिस को दी थी। गुड्डू करीब हत्याकांड जो सुबह हुआ था 4:30 बजे, उसमें टोटल 6 आरोपियों की अभी तक हम लोग शिनाख्त कर चुके हैं और 4 को हम लोग ने अरेस्ट कर लिया। इसमें जो मेन आरोपी है वो गुड्डू करीब की पत्नी, दोनों बेटे और उनके 3 अन्य साथी हैं। इसमें पत्नी, बेटे और 2 साथी को गिरफ्तार कर लिया गया, एक बेटा और एक साथी अभी फरार है। मेरे मामू थे, सुसर साहब थे मेरे, उनकी बीवी और 2 ही बच्चों ने मिलके मारा है। उसका चश्मदीद गवाह में हूँ, मैंने पूरा खुला आंखों से देखा है। उन पे हमला 4 रोज पहला किया था, उसके भी उसकी जांच चल रही थी, कल रात को पता चला उन्होंने घर में आके चिल्ला चोट गाली गुप्तार करी। इतने में पूरी प्लानिंग हो गई कि कैसे क्या करना क्या नहीं करना, उनको मारना था, उन्होंने मार के निकल गए, भग रहे थे वो, तो पुलिस बहुत सतर्क थी कि उन्होंने दर दबोचा उनको, नहीं तो भग रहे थे, भग जाते। पासपोर्ट वासपोर्ट सब है कम्प्लीट, पुलिस तो हमने चिल्ला चोट करी, पुलिस ने दर दबोच दिया, यहीं आगे जाके पकड़ लिया उसको, 2 थाने जेल में चले गए। ये सुबह गुड्डी कलीम जी हैं, ये करीब 55 साल की इनकी उम्र है, 20 वर्ष पूर्व पार्षद थे, इनका 31 इनके ऊपर अपराध दर्ज है। इनकी आज सुबह इनके घर में गोली मार के हत्या कर दी गई थी, जो कि बेडरूम में थे। इसमें पुलिस ने 8 घंटे में ही इनकी पत्नी, बेटे को अरेस्ट किया है। इनका प्रॉपर्टी का विवाद था, आपस में संपत्ति को लेकर इनका विवाद था, जिसके लिए इनकी पत्नी और दोनों बेटों ने मिलकर ये प्लानिंग करी और 3 इनके अन्य साथी हैं जिनके साथ मिलकर इन्होंने इस पूरी प्लानिंग किया। इसमें 4 लोगों को ऑलरेडी अरेस्ट कर लिया गया, जिसमें पत्नी, बेटा आसिफ, जावेद शेख और इमरान खान, ये 4 आरोपी ऑलरेडी अरेस्ट कर लिए गए। एक बेटा दानिश और एक साथी शौराब अभी ये फरार है, जिसके लिए हमारी पुलिस टीम लगी है, शीघ्र उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सर, हत्या में कितने लोग शामिल थे और साजिश में लगते हैं? टोटल 6 लोग शामिल थे साजिश में, इसमें 2 लोगों ने इनके घर में आके हत्या की और पूरे 6 लोगों ने उसको साजिश करी थी। इनके एक बेटे ने दरवाज़ा खुला छोड़ा था, इनकी पत्नी ने बेडरूम का दरवाज़ा खोला था, दूसरा बेटा जो है अपने साथी के साथ आके इस तरह ये घटना कारित करी। तड़के करीब 4:30 बजे 2 नकाबपोश बदमाशों ने एक एटीएम को तोड़ने का प्रयास किया। सुबह में अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच पड़ताल शुरू की। चिमनगंज थाना प्रभारी हितेश पाटिल ने बताया कि बीमा चौराहा पर कान्हा परिसर के पास बैंक ऑफ महाराष्ट्र का एटीएम लगा हुआ है। रात में इसे तोड़ने का प्रयास किया गया और सुबह में सूचना मिलने पर एएसपी नितेश भार्गव, चिमनगंज टीआई पाटिल सहित एफएसएल अधिकारी मौके पर पहुंचे और सीसीटीवी फुटेज चेक किए, जिसमें 2 नकाबपोश दिखाई दे रहे हैं। बदमाशों ने सीसीटीवी कैमरे भी बंद करने का प्रयास किया, लेकिन सफल नहीं हुए। ये सुबह 4 बजे थाना चिमनगंज अंतर्गत फाजलपुरा में एक बैंक ऑफ महाराष्ट्र का एटीएम कटिंग का प्रयास किया गया था। जैसे ही लोगों ने प्रयास किया, अपराधियों ने, तैसे ही अलार्म बजा, कंट्रोल रूम ने नियरेस्ट पार्टी को सूचित किया, जिसके बाद ये घटना तो कारित नहीं कर पाई, परंतु प्रयास जरूर किया था। हमारी पुलिस ने 8 घंटे में इसमें 3 आरोपियों को अरेस्ट करने में सफलता हासिल की है। इसमें एक सोहेल, कालू और विवेक, 3 आरोपियों को अरेस्ट किया गया, जिसमें विवेक महिला के कपड़े में एटीएम के अंदर घुसा था और उसने कैमरे को स्प्रे किया गया था। सोहेल ऑटो चालक है, जिसके ऑटो को इन लोगों ने प्रयोग किया गया था, उसको जब्त कर लिया गया। अभी इन तीनों से और पूछताछ की जा रही है, अगर इधर कहीं और इन्होंने इस तरह का कोई प्रयास किया या सफलता हासिल की तो उसके संबंध में इनसे रिमांड लेके पूछताछ। सर, ये घटना क्यों करना चाहिए? ये बेसिकली सोहेल के ऊपर कुछ कर्जा था और ये तीनों साथी हैं, तो इन्होंने मिलकर ये प्लान किया था कि हम लोग एटीएम के साथ अपना कर्जा भी उतार देंगे और बाकी जो मुनाफा होगा वो मिल बांट के बांटेंगे। उज्जैन के अंगपात मार्ग पर स्थित विष्णु वाटिका क्षेत्र में भूगर्भीय घटना के कारण लोगों में दहशत का माहौल बन गया है। दरअसल यहां पिछले 4-5 दिनों से अचानक जमीन में से धुआं निकल रहा है। ये धुआं विष्णु वाटिका क्षेत्र में विष्णु सागर के आसपास साफ देखा जा सकता है। करीब 3 से 4 जगह पर धुआं निकल रहा है, जिसकी वजह से करीब 4 पेड़ भी मुरझा गए हैं। इस घटना के कारण जमीन भी गर्म हो गई है, जिसे साफ तौर पर महसूस किया जा सकता है। धुआं निकलने वाली जगह पर पानी भी डाला गया, फिर भी धुआं निकलना बंद नहीं हुआ। प्रत्यक्षदर्शी का कहना है कि क्षेत्र में ना तो बिजली के तार है, ना ही गैस की पाइपलाइन है, बावजूद इसके इस प्रकार का धुआं निकलना आश्चर्य की बात है। जिस जगह से धुआं निकल रहा है वहीं पानी से भरा हुआ तालाब भी है।
जिसकी वजह से जमीन नम है। वहीं जानकार बता रहे हैं कि यह एक प्रकार की भूगर्भीय घटना हो सकती है, जिसका मुख्य कारण चट्टानों की रगड़ से अभ्रक नामक खनिज के कारण धुआं निकल रहा है। हालांकि जब तक जांच नहीं हो पाती तब तक स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकेगी। लोगों में दहशत का माहौल देख पुलिस का अमला भी घटना स्थल पर पहुंचा था और लोगों को घटना स्थल से दूर रहने की हिदायत दी थी। विष्णु सागर पे तीन चार झाड़ों पे नीचे से धुआं निकल रहा और अच्छा धुआं निकल रहा। भैया ने हाथ भी डाल के देखा तो हाथ भी टच नहीं हो पा रहा। तो ये चार पांच दिन से हम लोग देख रहे हैं, यहाँ जाप करते और आने जाने वाले भी लोग देखते हैं। तो बताए इन लोगों को तो आके देखा इन्होंने तो वो भी वैसे ही। क्या लगता है क्यों निकल रहा है? ये तो भगवान की लीला, कुछ क्या बता सकते। झाड़ भी मुछा रहा है, कुछ तार वार भी जा रहा है कि आसपास से नीचे से? नहीं, तार तो अभी कुछ ऐसा कुछ पता नहीं लगा। कितने समय से यहाँ पे लाइट बंद है? लाइट तो साहब कई सालों से बंद में देख रहा, रात में तो 6 बजे के बाद तो दिखती नहीं, कि तो हम तो 7-8 बजे 9 बजे तक रहते। भैया 4-5 दिन से आग निकल रही, रोज आते हैं हम घूमने, वो 2-4 झाड़ भी जल गए, मुरझा गए हैं। और कोई ऐसा हादसा हो जाए इससे बिना इसकी समस्या का हल हो जाए तो अच्छा है। कहाँ से निकल रहा धुआं? और ये पानी के किनारे से ही निकल रहा है और उसके पास ही रोड है, और रोड भी बहुत गर्म हो रहा है और जमीन भी बहुत गर्म हो रही है। यहाँ पे पेड़ों की क्या स्थिति? पेड़ तो जल गए, 4-5 जो आसपास आग निकल रहे पूरे पेड़ खत्म हो चुके हैं उनके। आपने पानी भी डाला उसमें? मेरा हाथ जल गया कि देखें कोई ऐसा है तो। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव दुर्गा अष्टमी के पावन अवसर पर उज्जैन के जयसिंहपुरा में देवी पांडाल में पहुंचे। उन्होंने यहां विराजमान मां अंबे की प्रतिमा की विधिवत पूजा अर्चना और आरती कर प्रदेशवासियों के कल्याण की मंगल कामना की। उन्होंने सभी श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि इसी प्रकार दशहरे के पर्व पर भी आनंद बरसेगा, सभी त्योहारों पर मां अंबे का आशीर्वाद बना रहे। इस दौरान विधायक अनिल जैन कालूहेड़ा, विवेक जोशी सहित अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। उज्जैन में एक ई रिक्शा का वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें सवारी से भरा ई रिक्शा दिखाई दे रहा है। इस वीडियो में ई रिक्शा की छत पर भी सवारी और पीछे लटकते हुए बच्चे भी दिखाई दे रहे हैं। यह वीडियो जुना सोमवारिया क्षेत्र का बताया जा रहा है और पुलिस प्रशासन ने ई रिक्शा चालक की तलाश शुरू कर दी है। यह पहली बार नहीं है जब ई रिक्शा चालकों की लापरवाही का वीडियो वायरल हुआ है। इसमें पहले भी कई वीडियो सामने आए हैं जिनमें ई रिक्शा चालक अपने वाहन में सीमित संख्या से ज्यादा सवारी ले जाते हुए दिखाई देते हैं। पुलिस प्रशासन ने ऐसे मामलों में कई बार सख्त कार्यवाही भी की है और चालानी कार्यवाही भी की है। दरअसल ई रिक्शा एक इलेक्ट्रिक वाहन है जो कि 3 पहियों पर चलता है और 650 से 1400 वाट तक की इलेक्ट्रिक मोटर द्वारा संचालित होता है। ये वाहन पैडल रिक्शा की तुलना में सस्ता और कम श्रम गहन करता है, जिसके कारण इसका उपयोग तेजी से बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज उज्जैन प्रवास पर पहुंचे, जहां स्थानीय कार्यक्रमों में उन्होंने शिरकत की। इस दौरान क्षीरसागर कुश्ती अरीना में सांवरिया ग्रुप द्वारा आयोजित दंगल कार्यक्रम में सीएम सबसे पहले पहुंचे और उज्जैन शहर के सभी 15 अखाड़ों को 2-2 लाख रुपए देने की घोषणा की। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश में कुश्ती सहित अन्य सभी खेलों को निरंतर बढ़ावा दिया जाएगा। उज्जैन में मलखंब अकेडमी शीघ्र चालू होगी, मलखंब के साथ जिम्नास्टिक की भी सौगात मिलेगी। सीएम ने अखाड़ों की सामग्री के लिए 2-2 लाख रुपए देने की घोषणा भी की। उन्होंने सभी खेल प्रेमियों को हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयां दी। ऐसे में शक्ति संचय के लिए
यहाँ अखाड़े की कुश्ती का आयोजन हो रहा है। मेरी अपनी ओर से माँ नवदुर्गा के पावन पर्व पर शक्ति संचय के इस अखाड़े के कुश्ती के कार्यक्रम में सबका मैंने स्वागत भी किया और ये हमारी परंपरा है। हमने इस अवसर पर इस वर्ष दशहरा भी शक्ति संचय के साथ शस्त्र पूजन के साथ मनाया जाएगा। माँ हिल्या देवी के नाम पर हमने इस बार दशहरा मनाने का निर्णय किया और यहाँ इस अवसर पर जितने अखाड़े उज्जैन के हैं सबको 2-2 लाख रुपये देने की घोषणा। उज्जैन प्रेस क्लब में खानदानी ग्राम पटेलों के प्रदेश अध्यक्ष राजेश पटेल चुमली के द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें वर्तमान स्थिति एवं आगामी कार्य योजना के विषय में बताया गया। मध्य प्रदेश के खानदानी ग्राम पटेल मध्य प्रदेश सरकार की योजना मोदी गारंटी में शामिल है। पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र में खानदानी ग्राम पटेलों को 15,000 रुपये महीने सम्मान निधि दी जाती है। मध्य प्रदेश में अभी तक सम्मान निधि चालू नहीं हुई है। ग्राम पटेल चाहते हैं कि सरकार ने ग्राम पटेलों को मोदी गारंटी में शामिल किया है तो सरकार मोदी गारंटी को जल्द पूरा करें एवं ग्राम पटेलों की 15,000 रुपये महीने सम्मान निधि चालू करें। उक्त जानकारी खानदानी ग्राम पटेलों के प्रदेश अध्यक्ष राजेश पटेल चुमली ने दी। इस अवसर पर उज्जैन जिले के जिला अध्यक्ष बाबूलाल नलवा एवं घटिया तहसील अध्यक्ष राम सिंह सहित सभी गणमान्य खानदानी ग्राम पटेल उपस्थित थे। अंदर एक व्यवस्था है पटेलों की, मध्य प्रदेश के अंदर परंपरागत रूप से खानदानी ग्राम पटेल 75 साल से बिना किसी मानदेय के कार्य करते आ रहे हैं और हमारे पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र में पटेलों को सम्मान निधि दी जाती है 15,000 रुपये महीने, लेकिन मध्य प्रदेश में सम्मान निधि के नाम पर कुछ नहीं दिया जाता है। अभी पिछली सरकार ने हमें अपने एजेंडे में लिया है, मोदी गारंटी में शामिल किया है और उस विषय में सरकार ने अभी तक कोई क्रियान्वयन नहीं किया है। हम हमारे माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री मोहन जी यादव साहब से चाहते हैं कि जो 75 साल से निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं हमारे ग्राम के पटेल, उनको आप अपने एजेंडे को पूरा करते हुए 15,000 रुपये महीने महाराष्ट्र की तर्ज पर सम्मान निधि चालू करें। दशहरे पर निकलने वाली महाकाल सवारी का मार्ग बदलने पर माली समाज नाराज हुआ। समाजजनों ने मालीपुरा क्षेत्र में प्रदर्शन भी किया। समाजजनों के दबाव में प्रशासन ने निर्णय वापस लिया। परंपरा अनुसार दशहरे पर्व पर बाबा महाकाल की सवारी महाकाल मंदिर से दशहरा मैदान तक निकाली जाती है। यहां प्रतिवर्ष सवारी पारंपरिक मार्ग से निकलती है, परंतु इस वर्ष सवारी मार्ग बदलने की चर्चा शुरू हो गई है और पुलिस प्रशासन ने नए सवारी मार्ग का अवलोकन भी किया है। सवारी मार्ग बदले जाने की चर्चा पर मालीपुरा क्षेत्र के रहवासी नाराज हो गए। विरोध स्वरूप माली समाजजनों ने क्षेत्र में ही प्रदर्शन किया और मांग की है कि सवारी मार्ग नहीं बदला जाए। मांग से संबंधित ज्ञापन कलेक्टर नीरज कुमार सिंह के नाम रूपाली जैन तहसीलदार को सौंपा गया है। वहीं बढ़ते विरोध को ध्यान में रखते हुए तत्काल प्रशासन ने निर्णय लिया है कि दशहरा पर निकलने वाली सवारी पारंपरिक मार्ग से ही निकलेगी। यहां बता दें कि पारंपरिक मार्ग के तहत सवारी मालीपुरा क्षेत्र से आती है और यहीं से जाती है। मालूम हो कि दशहरा पर्व पर शमी का पूजन करने के लिए बाबा महाकाल की सवारी दशहरा मैदान पहुंचती है। पूजन करने के पश्चात बाबा महाकाल की पालकी दशहरा मैदान से फ्रीगंज देवास गेट बस स्टैंड मालीपुरा दौलतगंज चौराहा तोपखाना होते हुए बाबा महाकाल के मंदिर पहुंचती है। लेकिन पिछले 12 वर्षों से लौटती हुई सवारी का मार्ग परिवर्तित करने की मांग की जा रही थी। इस संबंध में कुछ दिन पूर्व भी इंदौर गेट व्यापारी एसोसिएशन के अध्यक्ष गोपाल यादव और उपाध्यक्ष रोशन यादव ने जिला कलेक्टर नीरज कुमार सिंह को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नाम ज्ञापन सौंप कर मांग की थी, जिसमें देवास गेट इंदौर गेट गदा पुलिया के मार्ग से महाकाल की सवारी ले जाने की अपील की गई थी। महाकाल की सवारी परंपरागत रूप से निकलना चाहिए। अभी कुछ मीडिया के माध्यम से कुछ पत्र पेपर के माध्यम से जानकारी हुई है कि प्रशासन इस रूट को बदलने वाला, तो मेरा प्रशासन से हाथ जोड़ के विनती है कि जो परंपराओं को तोड़ता है उसकी परंपरा बिगड़ जाती है। तो मेरा निवेदन है कि जो आने जाने की परंपरा जो महाकाल बाबा की सवारी की बनी हुई है, साल में एक बार आती है, तो साल में एक बार इस मालीपुरा से लेकर जो जिस रूट से निकलती है वहाँ के लोग पलक पांवड़े बिछाकर स्वागत करते हैं, तो ये किसी के ठेस पहुँचाने की आवश्यकता नहीं होना चाहिए। वो परंपराओं के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए जो भगवान से जुड़ी हुई परंपरा हो। मेरा प्रशासन से निवेदन है कि ऐसा कोई निर्णय ना करें जिससे इस प्रकार से आक्रोश फैले। महाकाल की सवारी हमेशा परंपरागत रोड से जो है निकलती है, मालीपुरे से देवासगढ़ होते हुए जो भी रूट है हमेशा वर्षों से निकलती आ रही है, लेकिन उस रूट को जो बदलने की जो साजिश कर रहे हैं वो जो है नाकाम होनी चाहिए, क्योंकि महाकाल बाबा हमेशा अपने परंपरा रूट से ही जाते आते हैं और किसी प्रकार के इधर उधर रूट से करने में जो है खामियाजा उज्जैन जिले उज्जैन की जनता को भुगतना पड़ेगा। जो दशहरे पर सवारी आती है लौटती हुई सवारी का मार्ग परिवर्तन करने की कोई सूचना इनको प्राप्त हुई थी?
उसके संबंध में ज्ञापन दिया है, तो वरिष्ठ अधिकारियों तक प्रेषित किया जाएगा और जो भी निर्णय है वरिष्ठ स्तर से लिया जाएगा। सवाई का मार्ग चेंज हुआ है तो क्या? नहीं, अभी कोई मार्ग चेंज होने की खबर हम तक तो नहीं है। शायद इस संबंध में कोई बैठक हुई होगी जिसके संबंध में इन लोगों के द्वारा ज्ञापन दिया गया है। विजयादशमी पर बुराई के प्रतीक स्वरूप रावण के पुतले का दहन किया जाएगा। शहर में विभिन्न स्थानों पर 12 से 14 अक्टूबर तक दशहरा महोत्सव मनाया जाएगा। विजयादशमी पर्व के दिन ही शहर के अलग अलग स्थानों पर 101 फीट ऊंचे 3 रावणों के पुतले का दहन होगा। सभी जगहों पर रावण दहन से पूर्व भव्य आतिशबाजी भी आयोजकों के द्वारा की जाएगी। दशहरा मैदान पर 61 वर्ष पूर्व स्वर्गीय लाला अमरनाथ की स्मृति में खत्री परिवार ने रावण दहन कार्यक्रम की शुरुआत की थी, जो आज ये भव्य स्वरूप ले चुकी है। इस आयोजन को अब भी दशहरा महोत्सव समिति के शिवा ओम खत्री द्वारा भव्य रूप से मनाया जा रहा है। इस आयोजन का ये 61वां वर्ष है। यहाँ बड़ी संख्या में शहरवासी रावण दहन के आयोजन को देखने पहुंचते हैं। रावण दहन से पूर्व बाबा महाकाल की सवारी दशहरा मैदान पहुंचेगी और शमी का पूजन करेगी। वहीं दशहरा मैदान के साथ ही क्षिप्रा नदी के तट कार्तिक मेला ग्राउंड पर स्वर्गीय प्रेम नारायण यादव की स्मृति में रावण दहन का आयोजन होगा। इस परंपरा को यादव परिवार के चेतन यादव द्वारा पुराने शहरवासियों के लिए पिछले 25 से 30 वर्षों से निभाया जा रहा है। कार्तिक मेला ग्राउंड पर रावण दहन से पहले भगवान बृहस्पति की सवारी पहुंचेगी। दशहरा मैदान और कार्तिक मेला ग्राउंड पर 101 फीट ऊंचे रावण के पुतलों को रामलखन कहार की टीम ने तैयार किया है। इसके भैरवगढ़ क्षेत्र में श्री राम नवयुवक मंडल की ओर से 101 फीट का रावण दहन किया जाएगा। यहाँ रावण दहन का 27वां वर्ष है। वही दशहरा पर्व के दूसरे दिन और तीसरे दिन भी विभिन्न समितियों द्वारा करीब 6 जगहों पर रावण दहन किया जाएगा, जिसमें प्रमुख रूप से शास्त्री नगर मैदान चलित रावण 3 भागों में बटेगा। इसके साथ ही नानाखेड़ा स्टेडियम, खाक चौक अंकपात मार्ग, मक्सी रोड स्थित डालडा फैक्ट्री मैदान सहित सिद्धवट मैदान रावण के पुतले का दहन किया जाएगा। साथ ही सभी जगहों पर समितियों द्वारा भव्य आतिशबाजी भी की जाएगी। इस साल हमारा 61वां दशहरा उत्सव है। हर साल की तरह हम हमेशा रावण की वेशभूषा पारंपरिक ही रखते हैं, उसकी ट्रेडिशनल वेशभूषा में ही रहता है। जो हर साल हम कोशिश करते हैं, खाली जो एनहांस करते हैं वो हम हमारी आतिशबाजियों को करते हैं कि आतिशबाजी जो लोग देखने आते हैं मेन, तो आतिशबाजी का जो रहता है उसमें हम उसको और एनहांस कर रहे हैं इस बारी। और कोशिश ये रहेगी कि एक घंटे से सवा घंटे के बीच तक नॉन स्टॉप आतिशबाजी उज्जैन वालों को देखने मिले।